वेल, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द एरी एप, और आज हम इसी से रिलेटेड जो है अपने एमसीक्यूज कवर करने वाले हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है द कंप्लीट नेम ऑफ ओनेल इज, जो ओनेल थे उनका कंप्लीट नेम क्या है? यूजीन ग्लैड ओनेल, यूजीन ग्लैडस्टन ओनेल, यूजीन ग्लैडस्टन ओनेल और नन ऑफ दीज। वेल, इन चारों में से जो राइट आंसर है वो क्या है? सो उनका कंप्लीट नेम था बी, यूजीन ग्लैडस्टन ओ नेल। ये इनका क्या था? कंप्लीट नेम था। जिन्होंने क्या लिखा है? द हेरी एप, इन्होंने ही लिखा है। द सब टाइटल ऑफ द हेरी एप, अब जो हेरी एप है इसका सब टाइटल क्या है? अ ट्रेजिडी ऑफ एंशियंट एंड मॉडर्न लाइफ, अ कॉमेडी ऑफ एंशियंट एंड मॉडर्न लाइफ, अ ट्रेजिक कॉमेडी ऑफ एंशियंट एंड मॉडर्न लाइफ और डी नन ऑफ दीज। सो हमारा आंसर है बी, अ कॉमेडी ऑफ एंशियंट एंड मॉडर्न लाइफ। सो जो द हेरी एप था जो यूजीन और ग्लैडस्टन और नेल ने लिखा है इसका सब टाइटल क्या है? अ कॉमेडी ऑफ एंशंट एंड मॉडर्न लाइफ। ये इसका क्या है? सब टाइटल है, जो क्या है, कॉमेडी और एंशंट लाइफ का ही एक मिक्सचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हेरी एप इज रिटन इन डैश एपरेट सीन, जो हमारा ये प्ले था टोटल कितने सीन्स में लिखा गया है? ए 7, बी 8, सी 9 और डी 10। वेल, ये टोटल लिखा गया है 8 सीन्स में, तो हमारा राइट आंसर है बी, कि जो हेरी एप है वो टोटल 8 सीन्स में लिखा गया है। द हेरी एप इज अटैक ऑन, अब इस प्ले में किसके ऊपर अटैक किया गया है? रोमांटिसिज्म, बी क्लासिज्म, सी पुरेतनिज्म और डी कैपिटलिज्म। वेल, इसके अंदर जो बात की गई है क्लास सिस्टम की, सो इसीलिए किसके ऊपर अटैक किया गया है? कैपिटलिज्म के ऊपर अटैक किया गया है। इसमें शोषण दिखाया गया है गरीब लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हेरी एप इज रिटन इन, वेल अब ये जो प्ले था ये कौन से ईयर में लिखा गया था? ए 1922, बी 1923, सी 1924 और डी 1925। सो जो द हेरी एप है जो किसने लिखा? यूजीन ग्लैडस्टन और नेल ने लिखा था। जो अटैक था किसके ऊपर? कैपिटलिज्म के ऊपर। टोटल 8 सीन में ये प्ले था और ये लिखा किस ईयर में गया था? वेल, ये 1922, ए 1922 में ये प्ले जो है लिखा गया था। विच बेस्ट डिस्क्राइब यंग्स जॉब अबोर्ड द शिप, वेल जो यंग है जो हमारे प्ले का क्या है मेन प्रोटागोनिस्ट है, मेन हीरो है, वो क्या काम करता था? ए डेक स्क्रबर, बी बाथरूम अटेंडेंट, सी फायर फाइटर और डी कॉल स्ट्रोकर। वेल, राइट आंसर इज ए डेक स्क्रबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फायरमैन टॉक अबाउट मार्क्सिस्ट आइडियाज, कौन सा ऐसा फायरमैन था जिसके आइडियाज कैसे थे? मार्क्सिस्ट आइडियाज थे, मीन्स वो जो एक क्लास सिस्टम था इसके खिलाफ था। उसे ये सब क्या लगता, मतलब बेकार लगता, उसे ठीक नहीं लगता था। और ये जो कैरेक्टर्स हैं ये इसके साथ काम करते थे यंग के, किसके ऊपर? शिप के ऊपर। वेल, ए यंग, बी पैडी, सी इजाबेल और डी लोंग। सो इनमें से कौन सा था कैरेक्टर जिसके आइडियाज़ कैसे थे? मार्क्सिस्ट आइडियाज़ थे, तो हमारा आंसर है डी लोंग। लोंग था जो, कौन था उसका फेलो था किसका? यंग का, जो कहाँ काम करता था? शिप के ऊपर करता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वॉज यंग बॉर्न, जो हमारा मेन प्रोटागोनिस्ट है वो कहाँ पर पैदा हुआ था? ए मिनेसोटा, बी बोस्टन, सी न्यूयॉर्क और डी फिली। तो यंग का जन्म कहाँ पर हुआ था? वेल, राइट आंसर इज सी न्यूयॉर्क। वो कहाँ पर बॉर्न हुआ था? न्यूयॉर्क में बॉर्न हुआ था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द रियल नेम ऑफ यंग, जो कैरेक्टर है यंग उसका रियल नेम क्या था? ए रॉबर्ट स्मिथ, बी पैडी, सी लॉन्ग और डी नन ऑफ दिस। सो यंग का जो रियल नेम था वो था ए रॉबर्ट स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ नोन एज द रोडिन्स द थिंकर, इनमें से किस कैरेक्टर को रोडिन द थिंकर के नाम से जाना जाता था? ए यंग, बी पैडी, सी लॉन्ग और डी नन। वेल, रोडिन द थिंकर का मीन्स है कौन सा कैरेक्टर है जो बहुत ज़्यादा सोचता था, बात हर बात में वो क्या करने लग जाता था, बात बात में वो सोचने बैठ जाता था, तो वो था हमारा ए यंग। वेल, रोडिन द थिंकर क्यों कहा गया है? क्योंकि उसका रियल नेम था रॉबर्ट स्मिथ, सो वहीं से उसको नाम दिया गया है रोडिन द थिंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द डॉक्टर, सॉरी डॉटर ऑफ नेजरेथ स्टील, यहाँ पर डॉटर आएगा, जो नेजरेथ स्टील थी उनकी बेटी का क्या नाम था? ए मैरी डगलस, बी माइल्ड डगलस, सी मैरी डगलस और डी नन ऑफ दिस। सो राइट आंसर इज बी माइल्ड डगलस, उनकी बेटी का नाम। सो बी इज़ द राइट आंसर, माइल्डर डगलस क्या किसका नाम था? नेजर स्टील की डॉटर का नाम था, जो स्टील का काम करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइल्डर डगलस इज डैश ईयर ओल्ड, जो माइल्डर डगलस थी ये भी एक कैरेक्टर है जो प्ले के बीच में आती है,
उसकी क्या एज थी? ए 17, बी 18, सी 19 और डी 20। सो हमारा राइट आंसर है डी, 20 ईयर ओल्ड। जो माइल्ड डगलस थी वो कितने साल की थी? 20 ईयर्स ओल्ड थी, 20 साल की थी वो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई केयर फॉर नोबडी, नो नॉट आई एंड नोबडी केयर्स फॉर मी, हु सेज दीज लाइन्स। मैं किसी की परवाह नहीं करता और ना ही कोई मेरी परवाह करता है, ये लाइन इस प्ले में किसके द्वारा बोली गई है? ए यैंक, बी लॉन्ग, सी पैडी, डी नन ऑफ दिस। तो हमारा आंसर है सी पैडी। ये लाइन किसने बोली है? वेल, ये लाइन पैडी ने बोली है। ये भी एक फायरमैन था जो किसके साथ काम करता था? यंग के साथ काम करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई हैव 50 ड्रेसेस लाइक दिस, आई विल थ्रो दिस वन इन टू द सी व्हेन कम बैक, डेट आउट टू वॉश इट क्लीन, डोंट यू थिंक हु स्पीक्स। मेरे पास इस जैसी 50 ड्रेसेस है और जब मैं वापस आऊँगी तो मैं इसे कहाँ फेंक दूँगी? सी में फेंक दूँगी, ना कि मैं इसे धोने बैठूँगी। तो तुम्हें क्या लगता है पहले लाइन किसने बोली है? ए यैंक, बी लॉन्ग, सी माइल्ड्रेड और डी। वेल, हमारा आंसर है सी माइल्ड्रेड। ये लाइन किसने बोली है? माइल्ड्रेड ने बोली है। जब वो नीचे जाती है फायरमैन्स को देखने के लिए तो उसे इंजीनियर बोलता है कि तुमको तुम्हारी ड्रेस कैसी है, वाइट है, गंदी हो जाएगी, चेंज कर लो। तब वो ये लाइन बोलती है कि मेरे पास ऐसी बहुत सी है और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर ये ख़राब भी हो जाती है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शी वॉज ऑल वाइट, आई थॉट शी वॉज अ गोस्ट, श्योर हु सेज दिस। वो पूरी तरह से कैसी थी? सफ़ेद थी, मुझे लगा कि वो कोई भूत है। ये लाइन किसने बोली है? ए माइल्ड्रेड, बी पैडी, सी यैंक और डी नन। हमारा आंसर है सी यैंक। जो कौन थी? माइल्ड्रेड थी, नेटर स्टील की जो बेटी थी। जब वो एंटर करती है उसने पूरे सफ़ेद कपड़े पहने होते हैं, तो जब वो उसे देखता है कौन यैंक, वो नीचे जाती है और उसे देखता है तो वो सोचता है कि कोई भूत है, डर जाता है। तो ये लाइन किसने बोली है? यैंक ने बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट एनिमल डज माइल्डर कंपेयर हरसेल्फ टू। जो माइल्डर थी वो अपने आप को किस जानवर से कंपेयर करती है? ए मंकी, बी स्नेक, सी जगुआर और डी लेपर्ड। सो हमारा आंसर है डी लेपर्ड। वो अपने आप को किस से कंपेयर करती है? लेपर्ड से कंपेयर करती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डज माइल्डर गो डाउन इनटू द स्टॉक हॉल। जो माइल्डर थी वो स्टॉक हॉल में क्यों गई? वेल, स्टॉक हॉल जहाँ पर वो सारे जो फायरमैन थे यैंक और उसके साथ ही वो काम कर रहे थे, सो उसे स्टॉक हॉल बोला गया है। और जो माइल्डर थी वो नीचे गई थी उन्हें देखने के लिए। तो यहाँ क्वेश्चन किया गया है कि वो स्टॉक हॉल में क्यों गई। वेल, ए शी हैज़ अ फैटिश फॉर एप लाइक मैन, बी शी इज़ डूइंग अ सोशियोलॉजी प्रोडक्ट ऑन फायरमैन, सी शी वॉन्ट टू सी हाउ दी अदर हाफ लिव्स, डी हर हंट टेल हर शी शुड सी वॉट रियल वर्क इज लाइक। वेल, वो अपनी आंट के साथ गई थी वहाँ पर और क्वेश्चन पूछा गया है कि वहाँ नीचे वो क्यों गई थी। सो हमारा राइट आंसर है सी, शी वॉन्ट टू सी हाउ दी अदर हाफ लिव्स। वो देखना चाहती थी कि जो बाकी के लोग हैं यानी जो गरीब लोग हैं वो कैसे रहते हैं, तो वो देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड थी। तो वो क्या करती है, जब आती है तो वो इंजीनियर से झूठ बोलती है कि मैंने अपने पापा से परमिशन ले लिया, जबकि उसने कोई परमिशन नहीं ली होती। और वो नीचे जाती है और देखना चाहती थी कि वहाँ पर जो गरीब लोग हैं वो कैसे काम करते हैं। नेक्स्ट इज, व्हाट डज यैंक मेक द जेंटलमैन विश। वेल, जो यैंक है वो जो जेंटलमैन था, मतलब सब लोगों को परेशान कर रहा होता है ताकि उनका रिएक्शन ले सके, तो उसकी वजह से जेंटलमैन थे वो क्या मिस कर देते हैं? ए हिज कैब, बी हिज अपॉइंटमेंट, सी हिज मीटिंग और डी हिज बस। जो हमारा राइट आंसर है वो है डी हिज बस। जो यैंक था, जब माइल्डर उन्हें देखने आती है तो उस बात से काफ़ी ऑफेंसिव हो जाता है, उसे बहुत बुरा लगता है कि क्या हम कोई जानवर हैं जो हमें यहाँ पर देखने आई, उसे बात अच्छी नहीं लगती। और जब वो कहाँ जाता है, 5th एवेन्यू में जाता है, तो वहाँ पर जो वो इन लोगों को देखता है, वाइट कॉलर लोग को, तो उनके सामने क्या जाने लगता है, मतलब उनके सामने आता है, उन्हें परेशान करता है ताकि वो लोग क्या करें, रिएक्शन करें, उन्हें परेशान कर रहा होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि एक जो जेंटलमैन थे उनकी बस जो है वो उसकी वजह से मिस हो जाती है। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट डज यैंक टेल द अदर इनमेट ही इज़। जब वो बस मिस हो जाती है तो उस वजह से उसे कहाँ डाल दिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। तो जब वो जेल में जाता है वहाँ पर जो उसके और भी इनमेट होते हैं, मतलब उसके साथ ही जो कैदी होते हैं, तो वो उन्हें क्या बताता है? ए अ जेंटलमैन, बी नॉर्मल गाय, सी बबून, द हेरी एप। तो वो उन्हें कहता है कि मैं कौन हूँ? एक हेरी एप हूँ। वो अपने आप को द हेरी एप
बताता है किसे, अपने अदर इनमेट्स को, यानी उसके साथी जो कैदी होते हैं, जेल में बंद होते हैं, उनको अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए कहता है कि मैं द हेरी एप हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर द वुबलीज डिस्क्राइब्ड इन द स्पीच रीड बाई यंग्स इनमेट। जो वुबलीज थे उसे जो यंग के अदर इनमेट्स होते हैं, साथी कैदी होते हैं, वो उसे कैसे डिस्क्राइब करते हैं, वो उसे एक स्पीच पढ़ के सुनाते हैं, और वहाँ पर वुबलीज को कैसे डिस्क्राइब किया जाता है। ए अ डिसिप्लिन ग्रुप ऑफ मैन, बी अ थ्रेट टू डेमोक्रेसी, सी अ वॉइस फॉर वर्कर, और डी अनस्टेडी ऑन देयर फीट। सो अवर राइट आंसर इज बी, अ थ्रेट टू डेमोक्रेसी। तो जो उनके यंग के जो इनमेट होता है वो स्पीच में वो पुलिस को ऐसे डिस्क्राइब करता है कि वो डेमोक्रेसी के लिए क्या है, एक थ्रेट है, और मतलब ये खतरा है, ये इसके खिलाफ है। और जो यंग था वो पहले बहुत ज़्यादा क्या था, गुस्से में था इन लोगों के लिए, अपर क्लास के लिए, और उन्हें पहले ही बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाना चाहता था। उसे लगता था कि जितने भी स्टील की जो कंपनीज हैं, मुझे उन्हें क्या करना होगा, डिस्ट्रॉय करना होगा। तो उसे लगता है कि जो वुबलीज हैं वो इसमें इस काम को करने में क्या करेंगे, उसकी हेल्प करेंगे, क्योंकि वो उसे क्या लगा कि ये क्या है, डेमोक्रेसी के लिए क्या है, एक थ्रेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज IWW स्टैंड फॉर। जो IWW है उसकी फुल फॉर्म क्या है। ए इंटरनेशनल वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड, बी इंडस्ट्रियल वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड, सी इनिशिएटिव वुमेन राइटर्स, डी इंटरनेशनल वर्किंग वेल्डर। सो हमारा आंसर है इंडस्ट्रियल वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज यैंक नॉक ऑन द डोर ऑफ द IWW। जब यैंक है वहाँ पर जाता है बुबली से मिलने के लिए, मतलब वो सोचता है कि ये क्या है, काफ़ी सीक्रेट कंपनी है, मुझे जाना चाहिए, तो वो जाता है और उनके डोर पे क्या करता है, नॉक करने लगता है। तो वो उनके डोर पे जाकर नॉक क्यों करता है। वेल ए ही थिंक ही इज एंटरिंग सीक्रेट क्लब, बी अ साइन टेल हिम टू नॉक, सी ही वॉन्ट टू पोलाइट, डी द डोर इज लॉक। वेल राइट आंसर इज ए, ही थिंक ही इज एंटरिंग अ सीक्रेट क्लब। वेल वो वहाँ जाता है क्योंकि उसे लगता है कि मतलब वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, उसे लगता है कि जब एल्डर ने देखने आई तो उसे बहुत गुस्सा आता है कि क्या हम कोई जू हैं। तो उसे लगता है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, हमारा कुछ भी भला नहीं कर रही है, गवर्नमेंट के खिलाफ होता है। जितनी भी स्टील इंडस्ट्रीज होती है उनको क्या करना चाहता है, डिस्ट्रॉय करना चाहता है। तो और जो उसका फेलो इनमेट है उसने अपनी स्पीच में जो पब्लिस तो उनको ऐसे पढ़ के बताया जैसे वो डेमोक्रेसी के क्या है, के लिए क्या है, खतरा है, मतलब गवर्नमेंट के खिलाफ है। तो उसे लगता है कि शायद ये कोई क्या है, एक सीक्रेट क्लब है, और मुझे जाना चाहिए, इसे ज्वाइन करना चाहिए, ताकि ये मेरे जो मेरा काम है, जो मैं करने आया हूँ, उसको सफल करने में मेरी क्या करे, ये हेल्प करे। तो इसीलिए वो जाता है और वहाँ जाकर क्या करता है, नोक करता है। जबकि उसका सिक्योरिटी उससे पूछता भी है कि तुमने नोक क्यों किया, तुम डायरेक्ट क्या कर सकते थे, अंदर आ सकते थे। सो इन रियलिटी जो वो ब्लेस थी वो क्या थी, एक गवर्नमेंट एजेंसी ही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज यैंग टेल द IWW ही विल डू फॉर देम। वो ने क्या कहता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। ए स्क्रब फ्लोर, बी रिक्रूट फायरमैन, सी ब्लो अप बिल्डिंग, डी हैंड आउट लिटरेचर अबाउट द ग्रुप। सो राइट आंसर इज सी ब्लो अप बिल्डिंग। वो ने कहता है कि मैं तुम्हारे लिए किसी भी बिल्डिंग को डायनामाइट से उड़ा सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज द सेक्रेटरी थ्रो यैंग आउट। क्या होता है कि जो IWW था उसका सेक्रेटरी यैंग को बाहर क्यों फेंकवा देता है। ए द सेक्रेटरी थिंक यैंग इज स्पाई, बी सेक्रेटरी थिंक यैंग इज पैसिव, बी सी ए एंड बी, और डी नन। वेल राइट आंसर इज ए, द सेक्रेटरी थिंक्स यैंग इज अ स्पाई। सेक्रेटरी को लगता है कि यैंग क्या है, शायद कोई जासूस है, क्योंकि जो ये कंपनी थी ये किसके अंडर में रह के काम करती है। वेल ये गवर्नमेंट के अंडर में ही रहकर काम कर रही होती है, और जब यैंग उन्हें कहता है कि मैं तुम्हारे लिए किसी भी बिल्डिंग को उड़ा सकता हूँ, उसे गलत फहमी हो जाती है। तो उन्हें लगता है कि शायद ये कोई स्पाई है जो यहाँ पर क्या करने आया, जासूसी करने आया, किसके खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ, और डेमोक्रेसी के खिलाफ क्या है, एक थ्रेट है। तो इसीलिए सेक्रेटरी उसे बाहर फिकवा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेथ ऑफ यंग एजेंट। जो यंग है वो लास्ट में क्या हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है। तो कौन से सीन में यंग की डेथ हो जाती है। ए फिफ्थ सीन, बी सिक्स सीन, सी सेवन्थ सीन, और डी एट्थ सीन। वेल राइट आंसर इज डी एट्थ सीन। वेल एट्थ सीन में यंग की क्या हो जाती है, डेथ। वेल वो क्या करता है, जब वो जू में जाता है और अपने आप को, क्योंकि वो कंपेयर करता है किससे, एप से, तो वो जू में जाता है और जाकर किसको देखता है, एप को देखता है। तो उसे लगता है कि मेरे जैसा ही है और इसे केज में नहीं होना चाहिए। तो वो उसे क्या करता है, गेट को खोल देता है। वेल जो एप है वो आता है और उसे क्या करता है, हक करके टाइट से, और अब कहाँ फेंक देता है, केज में, जिसकी वजह से यंग की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
लेडीज एंड जेंट्स स्टेप फॉरवर्ड एंड टेक अ स्लैंड एट द वन एंड ओरिजिनली हेयर एप फ्रॉम द वाइल्ड्स ऑफ हु स्पीक्स। प्ले में ये लाइन किसके द्वारा बोली गई है? वेल की लेडीज एंड जेंटलमैन, आइए और देखिए सिर्फ एक ओरिजिनल कौन, हेरी एप जो कहाँ से आया है, जंगलों से आया है। ए यैंक, बी पैडी, सी माल्डर, डी नन। सो राइट आंसर इज ए यैंक। वेल यैंक जब एप उसको मारकर कहाँ डाल देता है, अपनी केज में डाल देता है, तब ये लाइन बोलता है कि आइए और अपने कदम आगे बढ़ाइए और देखिए किसको, एक वन एंड ओरिजिनल हेरी एप को जिसको कहाँ से लाया गया है, जंगलों में से लाया गया है। सो दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन। फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।